उसके अलावा आज के दिन के हवाले से जैसे बात चल रही, बहुत बहुत से वैल्यूएबल बातें सामने आई जो कि आज़ादी के हवाले से हैं। तो आज़ादी की कीमत, अब्राहम लिंकन ने बड़ा मशहूर कोट था, उन्होंने कहा था कि अगर आप आज़ाद नहीं हैं तो आपके पास कुछ भी नहीं है। तो आज हम एक आज़ाद कौम की तरह यहाँ बैठे हैं। हम वो दर्द शायद उस जगह तक नहीं पहुँच सकते जहाँ पर हमारे कश्मीरी बहन भाई हैं, हमें उसको समझने की ज़रूरत है। और टेक्निकली देखा जाए तो जो सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है, यकजहती का मतलब क्या है? यकजहती का मतलब होता है इंडोर्स करना कि हम उनके साथ खड़े हैं। क्योंकि अगर आप तज़िया करेंगे तो एलिफेंट, हाथी एक बहुत ही पावरफुल जानवर है, लेकिन बचपन से उसके पाँव में एक कड़ी बनाई जाती है, उसको कैप्चर किया जाता है। लेकिन जब वो अपनी यंग एज में आता है, मोस्ट पावरफुल होता है, फिर भी वो अपनी गुलामी की कड़ी नहीं तोड़ पाता है, क्योंकि उसके सबकॉन्शियस माइंड में बैठा दिया जाता है कि आप गुलाम हैं। तो जो बहुत क्रेडिट की बात है, मोर देन 70 ईयर्स हमारे कश्मीरी बहन भाई, हम लोग उनके साथ खड़े हैं कि हमें ये गुलामी कबूल नहीं है। तो इसी दुआ के साथ कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, खालसा हैंड्स ऑर्गेनाइजेशन की पूरी टीम की तरफ से यकजहती का इजहार, और उनकी जितनी भी काबिशें हम उनके साथ कदम से कदम मिला के खड़े हैं। थैंक यू वेरी मच।